अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी की सियासत के ये सभी दिग्गज मनीष गुप्ता की मौत पर योगी सरकार को घेरने एक साथ उतर पड़े। अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की और मायावती ने ट्वीट किया और इसके बाद योगी आदित्यनाथ भी कानपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। सरकार से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवार को 2 करोड़ की आर्थिक सहायता भी देने की मांग की है। इस मुद्दे में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर मनीष गुप्ता की पत्नी से बात की। इतनी राजनीति के बाद खुद सीएम योगी मनीष गुप्ता के परिवार से मिले और आश्वासन दिया कि परिवार को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है, वो मुझे नौकरी भी देंगे, बच्चे के लिए कुछ योगदान भी करेंगे, साथ में अपनी ही ओर से उन्होंने मेरे केस को बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे केस को समझा और एक परिवार की तरह, एक मुखिया की तरह उन्होंने बिल्कुल सही सारे निर्णय लिए हैं। उन्होंने खुद बहुत अच्छे से समझ के सारी बातें। इस मामले में मायावती ने भी ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए केस को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, वो सरासर गलत है। आज तक पेरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।